पाकिस्तान रो नुआ धमक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति रमिज राजा कहते जदि भारत एशिया कप खेल को आसब ना बोली पाकिस्तान ठारो एशिया कप आयोजन अधिकार छड़ाई निया जाए तबे पाकिस्तान टीम एशिया कप रु ओहरी जाई पारे पूरा टूर्नामेंट रु पाकिस्तान भी ओहरी जाई पारे बोली धमक देते रमिज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति धमक एवं बीसीसीआई को टार्गेट बोली कहुची गत अक्टोबर मस 2023 एशिया कप को नहीं बोमा फिंगी बीसीसीआई जय शाह कहते न्यूट्रल भेनुरे एशिया कप आयोजन न हेले पाकिस्तान को एशिया कप खेल को जीव ना टीम इंडिया पूर्व पीसीबी मध्य नहीं दिनिकिया विश्वकप बयकट करने को धमक देता शेष थर पर एशिया कप खेल को भारत 2008 मसीह पाकिस्तान गस्त कर 2016 मसीह टी20 विश्वकप खेल को पाकिस्तान यार शेष भारत गस्त कर 2012 मसीह ठार दुई देश मध्य बायलैटरल सीरीज आयोजन होनी किंतु आईसीसी आयोजित समस्त मुकाबला रे दुई दल मुहांमुही होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति रमिज राजा कहते जदि भारत एशिया कप खेल को आसब ना बोली पाकिस्तान ठार एशिया कप आयोजन अधिकार छड़ाई निया जाए तबे पाकिस्तान टीम एशिया कप रु ओहरी जाई पारे पूरा टूर्नामेंट रो पाकिस्तान ही ओहरी जाई पारे बोली धमक देछंती रमिज राजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति को ए धमक एबे बीसीसीआई को टार्गेट बोली कहा जाउछि रमिज राजा जो धमक देछंती धमक को नहीं चारिआड़े चर्चा पूरा टूर्नामेंट रो पाकिस्तान ओहरी जाई पारे बोली रमिज राजा सीधा सड़क धमक देउछंती गत अक्टोबर मस 2023 एशिया कप को नहीं मध्य बोमा फिंगी बीसीसीआई जय शाह न्यूट्रल भेनुरे एशिया कप आयोजन न हेले पाकिस्तान को एशिया कप खेल को जीव ना टीम इंडिया पूर्व पीसीबी या कुने दिनिकिया विश्वकप बयकट करने को एक प्रकार धमक देते से किंतु शेष थर पर एशिया कप खेल को भारत 2008 मसीह पाकिस्तान गस्त कर 2016 मसीह टी20 विश्वकप खेल को पाकिस्तान यार शेष भारत गस्त कर 2012 मसीह कथा देखा 2012 मसीह ठार दुई देश मध्य बायलैटरल सीरीज आयोजन होनी किंतु आईसीसी आयोजित समस्त मुकाबला रे दुई दल मुहांमुही होती शेष थर पर एशिया कप खेल को भारत 2008 मसीह पाकिस्तान गस्त कर इन्हें अधिक सूचना देवाई हम प्रतिनिधि अश्विनी साहू फोनलाइन रही अश्विनी रमिज राजा जो धमक देखते 2023 एशिया कप को नहीं एवं सामना को आसी पाकिस्तान एक नुआ धमक कौन तथ्य तो रोचे बाबद जदि आम देखा गायत्री जे क्रिकेट उपरे प्रत्येक कोटि कोटि भारतीय गोटे आशा रही विश्वास रही कारण क्रिकेट को एठारे धर्म ठारु अधिक बोली विचार करा जाए आउ बर्तमान ताकु नहीं कि पाकिस्तान वर्तमान नाड़ी चिपिबा आरंभ करिछि गत सप्ताह रमी राजा मध्य समान धरणर बयान देखिले कहते जदि भारत एशिया कप को आसबनी तेल आम विश्वकप को जीवनी आ बर्तमान जो प्रश्न उठे से आयोजक अधिकार को नहीं प्रश्न कौन पर आसला ना बीसीसीआई संपादक जय शाह ये स्पष्ट करते जदि न्यूट्रल भेन्यूरे एशिया कप न हो ताले भारत पाकिस्तान को जीवनी अर्थात भारत यदि पाकिस्तान को न जाए पाकिस्तान हाथ मैच आयोजन अधिकार पशि जा पाए जो बर्तमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिली बिले आरंभ कर रमेश यादव सामना को आसी गोटे पर गोटे बयान दौंट बिल्कुल अश्विनी एक कथा भी आमे कहि परबा जे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति को ए जो धमक एबे बीसीसीआई को एक प्रकार टार्गेट बोली आमे कहि परबा टार्गेट देखो जदि भारत पाकिस्तान क्रिकेट देखा जाए तबे पारंपरिक प्रतिद्वंदी आ प्राय अनेक समय रे ए जो दुई भाई को सीरीज बंद हेछि याकु नै कि पाकिस्तान सबले टार्गेट करछि कारण जदि भारत पाकिस्तान रो मुकाबला को आपण विश्वकप रे भी देखि दिबे जे अधिक दर्शक देखिबा को इच्छा करते तेणु जदि एशिया कप परीक्षा एशिया महादेश बड़ मुकबिले जदि भारत न अर्थात पाकिस्तान सहित मैच जो टक्कर हुए से टक्कर दर्शक देखु वंचित हे अर्थात दर्शक संख्या पड़िया रे कमिजी यह लक्ष्य रखी क्षति सह आगु बर्तमान गोटे पर गोटे गुगली फंक्शन रमिज राजा
हुए तो जदि आम देखा आईसीसी को देखा तेज भारत जब खेल को राजी न हुए अधिकांश संभावना अच्छी पाकिस्तान रो मैच न्यूट्रल वेन्यू को चली जाई पारे। बिल्कुल पूरा टूर्नामेंट रो पाकिस्तान भी ओहरी जाई पारे बोली रमेश राजा सीधासलख धमक देइछंती एवं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सभापति को जो धमक आम कही परबा जे बीसीसीआई को एक बड़ टार्गेट मध्य कहा जाउची गत अक्टोबर मास रे हम देखबा 2023 एशिया कप को नै बीसीसीआई रो जय शाह जो भली भाबे बोमा फिंगी थिले एवं कहितले जे न्यूट्रल वेन्यू रे एशिया कप आयोजन नहले पाकिस्तान को एशिया कप खेलबा को जीव नाही टीम इंडिया तण गा पर समस्तक नजर रहिबो कोन हेबुची आगो स्थिति। धन्यवाद।